नमस्कार बच्चों, मैं ऋचा सिंह, प्रधानाचार्य राजकीय हाई स्कूल बगौली, आज अब आप सभी का इस ई लर्निंग कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जो विषय मैं आपके लिए चर्चा के लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है गृह व्यवस्था, गृह और परिवार के संदर्भ में। बच्चों, यह आपकी पुस्तिका का द्वितीय अध्याय है। गृह विज्ञान का महत्वपूर्ण अध्याय है, इसलिए इस भाग को मैंने दो भागों में बांट दिया है पाठ को। आज हम प्रथम भाग यानी भाग एक के बारे में पढ़ेंगे, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि आज हम किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो आज के हमारे चर्चा के बिंदु हैं वह है गृह व्यवस्था का अर्थ, गृह व्यवस्था की परिभाषा, गृह व्यवस्था की प्रक्रिया और गृह व्यवस्था के मुख्य सिद्धांत। इन सभी बिंदुओं पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, किंतु अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपको इस पाठ को पढ़ाए जाने के उद्देश्य के बारे में बताना चाहती हूँ कि इस पाठ को पढ़ाने के पश्चात आप किन बातों से अवगत हो पाएंगे। इस पाठ को पढ़ने के पश्चात आप पारिवारिक जीवन के संदर्भ में गृह व्यवस्था अथवा गृह प्रबंध की प्रक्रिया को समझ पाएंगे, गृह व्यवस्था के विभिन्न चरणों की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, गृह व्यवस्था की परिभाषाओं, इसके उद्देश्य तथा महत्व को समझते हुए इसको अपने वास्तविक जीवन में उतारने के लिए प्रेरित हो पाएंगे। तो बच्चों, इसी विश्वास के साथ हम आज अपने पाठ का प्रारंभ करते हैं। बच्चों, आप सभी ने कक्षा 8 गृह शिल्प में गृह प्रबंध नामक विषय पढ़ा है, गृह प्रबंध नामक पाठ पढ़ा है, जिसके अंतर्गत आपने गृह की सज्जा, गृह की सज्जा के मुख्य तत्व, गृह की परिभाषा और इसके अतिरिक्त यात्रा के प्रकार, यात्रा करने के लिए जो की जाने वाली तैयारियां, ये सभी बातें आपने पढ़ी हैं। यानी कि आप गृह व्यवस्था शब्द से या गृह प्रबंध शब्द से पूर्व में ही अवगत हो चुके हैं, गृह प्रबंध और गृह व्यवस्था एक ही शब्द है। बच्चों, हम जानते हैं कि एक अच्छी गृह व्यवस्था ही न केवल परिवार की उन्नति में सहायक होती है अपितु वह किसी भी राष्ट्र और समाज की उन्नति में भी योगदान देती है। समय समय पर पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति मनुष्य को आनंद और संतोष से भर देती है, परिवार की उन्नति होती है। जब परिवार उन्नत होता है तो जाहिर सी बात है समाज और राष्ट्र भी उन्नत होता है। व्यवस्थित रूप से किए गए कार्य हमको सफलता के अधिक करीब पहुंचाते हैं, हमें लक्ष्यों की प्राप्ति के अधिक करीब पहुंचा देते हैं। हम जब कार्यों को व्यवस्थित ढंग से करते हैं तो उससे हमें अनुकूल परिणाम मिलते हैं। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं विज्ञान और तकनीक का युग है, नए नए आविष्कारों के कारण हमारे सुख साधनों में वृद्धि हो गई है। इन सुख साधनों में वृद्धि के साथ साथ हमारा जीवन स्तर भी बढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं जनसंख्या बढ़ने के कारण हमारे संसाधन सीमित हो गए हैं और व्यवस्था के द्वारा ही हम अपने इन सीमित संसाधनों में अपने परिवार की आवश्यकताओं या लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। समय समय पर परिवार के लक्ष्यों की प्राप्ति हमको सुख की अनुभूति से भर देती है, किंतु आज का समय लगातार बदलता जा रहा है। गृहिणी जो पहले केवल गृह व्यवस्था से संबंधित थी, गृह के दायित्व से संबंधित थी, अब उसके ऊपर दोहरे दायित्व का भार आ पड़ा है। समाज में वो अपने और भी उत्तरदायित्वों को निर्वहन कर रही है, एक कुशल चिकित्सक के रूप में, एक अच्छे शिक्षक के रूप में, या प्रबंधक के रूप में, उद्यमी के रूप में, सैनिक के रूप में, यानी समाज में भी वह अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। ऐसे में गृह व्यवस्था एक जटिल प्रक्रिया हो जाती है, समय बहुत सीमित है, इन सीमित समय में दोहरी भार को, दोहरी जिम्मेदारियों को निभाना गृहिणी के लिए एक दुष्कर कार्य होता है और व्यवस्था के अभाव में यह एक जटिल प्रक्रिया
बन जाती है। लेकिन यदि गृहिणी अपने कार्यों को व्यवस्थित ढंग से करेगी, अच्छे ढंग से करेगी, योजनाबद्ध तरीके से करेगी, तो वह परिवार के सीमित संसाधनों में भी परिवार के सदस्यों की अधिकाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएगी। हर परिवार के कुछ निर्धारित लक्ष्य होते हैं और उनकी प्राप्ति हर परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। व्यवस्थित ढंग से किया गया कार्य हमें इन लक्ष्यों के करीब पहुंचाता है, हमारे जीवन को सफल और समृद्ध बनाता है, जीवन स्तर को उन्नत करता है। गृह व्यवस्था न केवल गृहिणी के लिए अपितु परिवार के सभी सदस्यों के लिए बहुत आवश्यक होती है। इसीलिए परिवार के सभी सदस्यों को गृह व्यवस्था के व्यवहारिक एवं सिद्धांतिक ज्ञान का परिचय होना आवश्यक होता है। तो आइए हम सबसे पहले गृह व्यवस्था के अर्थ को समझ लेते हैं कि गृह व्यवस्था वास्तव में होती क्या है। तो बच्चों, गृह व्यवस्था के अर्थ को समझाने के लिए मैंने यहाँ दो शब्द लिए हैं, एक है गृह और दूसरा है व्यवस्था। गृह हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि गृह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। घर मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। यह बच्चे की न केवल शारीरिक आवश्यकताएं पूरे करता है अपितु मानसिक बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। बच्चा परिवार में या घर में जन्म लेता है और लगातार उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार के सदस्यों के द्वारा की जाती है। घर से बच्चे का नाता मृत्यु पर्यंत का होता है। यहाँ पर वह घर के सदस्यों से भावनात्मक रूप से जुड़ा रहता है। घर से ही बच्चा मूल्य सीखता है, परिवार की परंपराएं सीखता है और एक अच्छा नागरिक बनने के लिए अग्रसर होता है। और एक अच्छा और आदर्श नागरिक ही परिवार और समाज को अपना योगदान दे पाता है और परिवार और समाज के विकास में योगदान दे पाता है। तो हम देख रहे हैं कि घर हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। घर से हमारा जुड़ाव न केवल शारीरिक होता है अपितु भावनात्मक होता है। घर से ही बच्चा संपूर्ण संरक्षण, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, प्राप्त करता है और परिवार के सदस्यों के बीच में रहकर वो अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, अपने जीवन लक्ष्यों की प्राप्ति करता है और परिवार में प्रेम और सौहार्द आदि की भावनाएं विकसित होती हैं। तो हमने देखा कि घर किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। अब हम व्यवस्था शब्द में आते हैं। बच्चों, व्यवस्था को बताने से पहले मैं आपको डेविस की एक परिभाषा बताना चाहती हूँ, जिसके अनुसार व्यवस्था कार्यकारी नेतृत्व का कार्य है। यह मुख्यतः एक मानसिक प्रक्रिया है। यह कार्य के नियोजन, संगठन और सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों के नियंत्रण से संबंधित है। तो व्यवस्था एक प्रक्रिया है। इस परिभाषा से हमको क्या समझ में आया कि गृह व्यवस्था एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया किस लिए होती है? यह प्रक्रिया परिवार के सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या किसी भी संस्थान के सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है, यानी यह बहुत सोच विचार के किए जाने वाली प्रक्रिया है और इसकी पूर्ति परिवार के अन्य सदस्यों के या परिवार में उपलब्ध संसाधनों के नियंत्रण से संबंधित होती है। तो क्या निष्कर्ष निकलता है इस परिभाषा से कि गृह व्यवस्था परिवार के सीमित संसाधनों में परिवार के लक्ष्यों की प्राप्ति की प्रक्रिया है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपने सीमित संसाधनों में परिवार के अधिकतम लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, ताकि परिवार में सुख संतोष की प्राप्ति हो, परिवार आगे बढ़े, जीवन स्तर उन्नत हो। जीवन उन्नत होगा तो समाज भी उन्नति की ओर अग्रसर होगा और राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा। तो हमने यहाँ पर गृह व्यवस्था का अर्थ समझा और कि गृह व्यवस्था एक प्रक्रिया है। जाहिर सी बात है बच्चों,
जब कोई प्रक्रिया होती है तो उसके विभिन्न चरण भी होते हैं। पहले हम ग्रह व्यवस्था की कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं। ग्रह व्यवस्था वैसे तो एक जटिल प्रक्रिया है और इसको परिभाषित करना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन कुछ प्रसिद्ध ग्रह वैज्ञानिकों ने ग्रह व्यवस्था की परिभाषा को अपने शब्दों में दिया है, जिसको मैं आपके सम्मुख लाना चाहती हूँ। और उसके बाद हम ये पता करेंगे कि ग्रह व्यवस्था इन ग्रह वैज्ञानिकों के अनुसार वास्तव में है क्या। सबसे पहले निकेल एवं डॉर्सी के अनुसार ग्रह व्यवस्था परिवार के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से परिवार के स्रोतों या संसाधनों के प्रयोग हेतु किया गया आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन है। यानी निकेल एवं डॉर्सी ने क्या बताया कि व्यवस्था परिवार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिवार के स्रोतों या संसाधनों को आयोजित, नियंत्रित और मूल्यांकित करने की प्रक्रिया है। अब हम अगली परिभाषा में आते हैं जो क्रो एंड क्रो ने दी है। इसके अनुसार ग्रह व्यवस्था उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक सीमित साधनों के विषय में उचित निर्णय लेने की प्रक्रिया मात्र है। क्या कहना है क्रो एंड क्रो का कि ग्रह व्यवस्था ग्रह की के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सीमित साधनों में उचित निर्णय लेने की प्रक्रिया है। यानी साधन सीमित हैं और इन्हीं सीमित साधनों के प्रयोग से हमको परिवार के अधिकाधिक लक्ष्यों की पूर्ति करनी है। अब हम अपनी तीसरी और अंतिम परिभाषा की ओर आते हैं जो राजामल पी देवदास जी की दी हुई है। इनकी परिभाषा के अनुसार ग्रह व्यवस्था पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु पारिवारिक संसाधनों के उपयोग से संबंधित निर्णय को सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ राजामल पी देवदास जी ने क्या बताया कि ग्रह व्यवस्था पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पारिवारिक संसाधनों के उपयोग से संबंधित निर्णय है। यानी यहाँ पे हम विभिन्न प्रकार के निर्णय लेते हैं, व्यवस्था से संबंधित निर्णय लेते हैं और उन निर्णयों के पालन से, उन निर्णयों को अनुपालन से हम जो है ग्रह व्यवस्था प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। तो बच्चों, तीनों ही परिभाषाओं के आधार पर हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ग्रह व्यवस्था सीमित पारिवारिक साधनों में परिवार के सदस्यों के समस्त आवश्यकताओं को, उद्देश्यों को पूर्ण करने की प्रक्रिया है। और इसी व्यवस्था प्रक्रिया के अंतर्गत हम परिवार के सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करते हैं ताकि हमें हमारे लक्ष्यों की अधिकतम प्राप्ति हो सके, परिवार में सुख, संतोष और समृद्धि आ सके। अब जब हम बार बार कह रहे हैं कि ग्रह व्यवस्था एक प्रक्रिया है तो जाहिर सी बात है कि किसी भी प्रक्रिया के चरण भी होने चाहिए और चरण होते हैं। तो ग्रह व्यवस्था प्रक्रिया के भी कुछ चरण होते हैं, इनको हम देख लेते हैं। सर्वप्रथम नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। ग्रह व्यवस्था प्रक्रिया के तीन मुख्य चरण होते हैं, पहला नियोजन, दूसरा नियंत्रण और तीसरा मूल्यांकन। ये तीनों चरण जो होते हैं वो क्रमबद्ध होते हैं, सर्वप्रथम नियोजन, उसके बाद नियंत्रण और उसके बाद मूल्यांकन। एक बार मैं आपको निकेल एवं डॉर्सी का संदर्भ देना चाह रही हूँ। पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पारिवारिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। यानी जब हमें पारिवारिक लक्ष्य को प्राप्त करना होता है तो हम पारिवारिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। इसमें नियोजन प्रक्रिया, नियंत्रण प्रक्रिया और मूल्यांकन प्रक्रिया, ये तीन ग्रह व्यवस्था के मुख्य घटक हैं। इन तीनों प्रक्रियाओं को हम सम्मिलित करते हैं और इनसे हम परिवार के लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं और यही प्रबंध प्रक्रिया या व्यवस्था प्रक्रिया कहलाती है। अगर ग्रह के संबंध में हम देखें तो परिवार के
सीमित संसाधनों में, उपलब्ध संसाधनों में परिवार के सदस्यों की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं पूर्ण करना, या कह सकते हैं कि छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी आवश्यकताओं को इस प्रकार पूर्ण करना कि परिवार के सदस्यों को सुख और संतुष्टि की प्राप्ति हो, उनके व्यक्तित्व का विकास हो, उनका जीवन विकसित हो, इसी प्रक्रिया को हम प्रबंध प्रक्रिया या गृह व्यवस्था की प्रक्रिया कहते हैं। अब आइए हम एक एक प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले हम आते हैं नियोजन पे। नियोजन, जिसको बच्चों हम आसान शब्द में कहते हैं योजना बनाना, या इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं प्लानिंग करना। बच्चों, हम अपना छोटे से छोटा कार्य और बड़े से बड़ा कार्य, ये सभी कार्य प्लान करके करते हैं ना। आप छोटा सा खेलने जाना है, उसकी भी योजना, कोई क्या खेल खेलेंगे उसकी भी योजना बनाते हैं। घर में बहुत सारे लक्ष्य होते हैं, छोटे से छोटे लक्ष्य होते हैं, दिन भर के कई सारे लक्ष्य होते हैं गृहिणी के सामने। ये खाना बनाना है, साफ सफाई करना है, घर की व्यवस्था करना है, बच्चों को पढ़ाना है, और परिवार के बड़े से बड़े लक्ष्य भी होते हैं। यानी किसी बच्चे की उच्च शिक्षा है, या परिवार के किसी सदस्य की शादी है, या फिर मकान बनाना है। तो परिवार के इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति यदि हम अच्छे ढंग से करना चाहते हैं, सर्वोत्तम ढंग से करना चाहते हैं, तो हमको नियोजन करना पड़ेगा। नियोजन निकलम डॉर्सी के अनुसार क्या है? इच्छित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, यानी जो भी हमारा लक्ष्य है उस तक पहुंचने के लिए विभिन्न संभावित मार्गों के संबंध में सोचना, यानी जितने हमारे पास उपलब्ध विकल्प हैं उनमें से सर्वोत्तम विकल्पों की चयन करना, कल्पना में प्रत्येक योजना का पूर्ण होने तक अनुपालन करना, यानी ये एक मानसिक प्रक्रिया है, इसमें हमारी कल्पना शक्ति, व्यवस्थापक की कल्पना शक्ति, उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी दूरदर्शिता, उसकी निर्णय लेने की क्षमता, उसकी स्मरण शक्ति आदि का बहुत ज़्यादा महत्व है। और इसका सर्वाधिक आशावादी योजना का चुनाव करना ही नियोजन है। यानी हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं, और इन संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किस तरह से किया जा सकता है, कौन से संसाधन को कहाँ पे इस्तेमाल करें, इसको हम योजना बनाकर ही पूर्ण कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि हम जब कोई अच्छा कार्य करना चाहते हैं, या अगर आप क्लास में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो आप पढ़ाई के लिए योजना बनाते हैं कि हम सुबह कितने बजे उठेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, उठ के अपना पढ़ाई करेंगे, फिर हम स्कूल जाएंगे, स्कूल में हम अपना कार्य निर्धारित समय पर करेंगे, और हम नियमित रूप से पढ़ाई करेंगे, हम अपने सर्वोत्तम विकल्पों को चयन करते हैं, हम किन पुस्तकों के माध्यम से पढ़ेंगे, और हम कैसे जो है अपने लक्ष्य तक अच्छे से अच्छे तरीके से प्राप्त करेंगे, यानी कि कैसे हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त होगा, और वो लक्ष्य क्या है? अच्छे नंबर लाना। इसके संबंध में हम एक योजना बनाते हैं। योजना एक मानसिक प्रक्रिया है, हम कल्पना में ही अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, उस लक्ष्य के सारे विकल्पों के बारे में सोच लेते हैं, सर्वोत्तम विकल्प का चयन कर लेते हैं, उन विकल्पों को इस्तेमाल करने की प्रक्रिया के बारे में सोच लेते हैं, और यदि उन विकल्पों के को प्रयोग करने में कोई परेशानी आ रही है, कोई बाधा आ रही है, तो उस बाधा को कैसे दूर किया जाए और लक्ष्य तक कैसे पहुँचा जाए, ये सारा प्रोसेस जो है यही नियोजन कहलाता है। घर में छोटे से छोटे कार्य या बड़े से बड़े कार्य यदि योजना बनाकर किए जाते हैं, तो हम उनको बहुत अच्छे ढंग से पूर्ण कर सकते हैं। नियोजित कार्य जो है सुव्यवस्थित होते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं और देना चाहूँगी कि अगर आपकी मम्मी कोई रेसिपी भी ट्राई करना चाहती हैं, तो उसकी एक पूरी योजना बनाती हैं कि कैसे संसाधन एकत्रित करेंगे, रेसिपी एकत्रित करना, समय निकालना, उस प्रक्रिया को करना, ये सब क्या है? एक प्लान्ड वे में जब हम काम को करते हैं, तो ही हम लक्ष्यों की सर्वाधिक प्राप्ति कर पाते हैं। इसी को हम नियोजन करना या प्लानिंग कहते हैं। अच्छे नियोजन ही हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। जब हम कार्य योजना बनाकर करते हैं, चाहे वो छोटा कार्य हो, चाहे बड़ा कार्य हो, चाहे सफाई से संबंधित कार्य हो, चाहे खाने बनाने से संबंधित कार्य हो, चाहे शादी विवाह या मकान बनाने से संबंधित कार्य, अगर हम योजना बनाकर करते हैं, तो वो सुव्यवस्थित ढंग से होता है, भली प्रकार से होता है, और हम उस कार्य को ऊपर हमारा पूर्ण नियंत्रण रहता है। अब
दूसरी प्रक्रिया की तरफ हम आते हैं। गृह व्यवस्था का जो दूसरा चरण है वो है नियंत्रण। नियंत्रण किसे कहते हैं? नियंत्रण वास्तव में योजना का क्रियान्वयन है। योजना जितनी महत्वपूर्ण होती है उतना ही उसका नियंत्रण भी महत्वपूर्ण होता है। डगलस एम शेरविन के अनुसार नियंत्रण का मूल तत्व क्रियान्वयन है, यानी अगर हम किसी योजना को बनाकर उसको क्रियान्वित सही ढंग से नहीं कर पाते हैं तो हम कितनी भी अच्छी योजना बना लें हम लक्ष्य के करीब नहीं पहुंच पाएंगे। इसके द्वारा पूर्व निर्धारित स्तरों के अनुसार क्रियाओं को समायोजित किया जाता है। नियंत्रण का आधार व्यवस्थापक के पास की सूचनाएं होती हैं। नियंत्रण उतना ही आवश्यक है जितना नियोजन आवश्यक है, क्योंकि हम योजनाएं तो बना लेते हैं, योजना बनाना महत्वपूर्ण है तो योजना का क्रियान्वयन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसे अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि जब हम को अच्छे नंबर लाने होते हैं, हम एक लक्ष्य बना लेते हैं कि इस साल हम बहुत अच्छे नंबर लाकर पास होंगे। उसके लिए हम योजना भी बहुत अच्छे तरह से बना लेते हैं कि किस तरह से हम पढ़ाई करेंगे, कौन से पुस्तकों से पढ़ाई करेंगे, किन व्यक्तियों की मदद लेंगे, किस तरह से हम अपनी सारी योजना को क्रियान्वित करेंगे। लेकिन जब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके क्रियान्वयन या नियंत्रण का समय आता है तो कहीं ना कहीं या तो संसाधनों के अभाव में या हमारे प्रयासों के अभाव में हम उस योजना को अगर पूर्णतया नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो फिर हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यानी सोचा था सुबह उठेंगे, आलस्य से नहीं उठ पाए। सोचा था इन इन पुस्तकों की सहायता लेंगे, धन के अभाव में सभी संदर्भ पुस्तकों को नहीं एकत्रित कर पाए, जिन व्यक्तियों से सहायता की अपेक्षा की थी नहीं मिल पाई। ऐसी स्थिति में नियोजन तो बहुत अच्छा था, लक्ष्य भी बहुत ऊंचा था, लेकिन नियंत्रण के अभाव में, उचित क्रियान्वयन के अभाव में हम इसको पूर्ण नहीं कर पाए। अगला हमारा जो तत्व है वो है मूल्यांकन। बच्चों, ग्रॉस एंड कैंडल के अनुसार मूल्यांकन वह तकनीक है जो किसी व्यक्ति को अपने पास उपलब्ध साधनों के प्रयोग से अधिकतम संतोष करने में सहायता करती है। जितना नियंत्रण, नियोजन और नियंत्रण आवश्यक है, मूल्यांकन भी उतना ही आवश्यक है। ये योजना का अंतिम चरण है, लेकिन हम लक्ष्य तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे ये हमारे मूल्यांकन पर ही निर्भर करता है। मूल्यांकन ही हमें भविष्य में योजनाएं बनाने का आधार देता है। बच्चों, आप मूल्यांकन शब्द से बहुत भलीभांति परिचित हैं। समय समय पर कक्षा में शिक्षकों द्वारा आपको मूल्यांकित किया जाता है, आपके कार्यों का मूल्यांकन अंकों के माध्यम से किया जाता है। तो मूल्यांकन उतना ही आवश्यक है जितना नियंत्रण और नियोजन, या फिर नियोजन या नियंत्रण, ये एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है और तीनों ही एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। अब हम अपने अंतिम बिंदु पे आते हैं, गृह व्यवस्था के मुख्य सिद्धांत। गृह व्यवस्था के कुछ मुख्य सिद्धांत होते हैं कार्य व्यवस्था संबंधी सिद्धांत, अर्थव्यवस्था संबंधी सिद्धांत, श्रम की बचत संबंधी सिद्धांत और अवकाश तथा मनोरंजन संबंधी सिद्धांत। कार्य व्यवस्था गृहिणी एक अच्छी व्यवस्थापक वही होती है जो अपने संसाधनों की क्षमताओं को समझ के, विशेषतर पे मानव संसाधन को समझकर, अपने परिवार के सदस्यों की आर्थिक क्षमताओं को, शारीरिक क्षमताओं को, बौद्धिक क्षमताओं को समझ के जब कार्य का निर्धारण करेगी तो सब कार्य रुचिपूर्ण तरीके से करेंगे, घर के परिवार सदस्यों में सौहार्द बना रहेगा। अगर वृद्ध व्यक्ति को उसकी शारीरिक क्षमताओं, रुचियों के अनुसार बैठ के करने वाला कार्य दिया जाएगा तो वह अपनी रुचि से करेंगे, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार, उनकी क्षमताओं के अनुसार कार्य दिया जाएगा तो वह कार्य अधिक रुचि से करेंगे और कार्य अधिक व्यवस्थित ढंग से पूर्ण होगा। अगला है अर्थव्यवस्था संबंधी सिद्धांत। बच्चों, हम अच्छे से जानते हैं कि हमारी आय बहुत सीमित है, प्रत्येक परिवार का संसाधन सीमित होते हैं, इस सीमित आय में ही परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। एक अच्छा गृह व्यवस्थापक सीमित आय में ही बजट बनाकर व्यय करता है और परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो यह हमारा अर्थव्यवस्था संबंधी सिद्धांत है। कुशल गृहिणी वही होती है जो आय के अंदर ही व्यय करे, बजट बनाए और बजट में बचत का प्रावधान भी रखे ताकि भविष्य की योजनाओं का नियोजन हो सके, भविष्य के लक्ष्यों की पूर्ति हो सके। फिर श्रम की बचत संबंधी सिद्धांत। बच्चों, यह सिद्धांत भी, क्योंकि ये सीमित साधन है, ये भी बहुत आवश्यक है। गृहिणी
अगर अपना सारा श्रम एक ही कार्य में लगा देगी, घर में बहुत सारे छोटे बड़े अनेक लक्ष्य होते हैं, जैसे सफाई भी करनी है और खाना भी बनाना है, अब ऐसी स्थिति में यदि गृहिणी खाना ही बनाने में सारा टाइम लगा देगी तो सफाई नहीं ठीक से होगी, और अगर सफाई में ही सारा श्रम लगा देगी तो फिर जो है खाना ठीक से नहीं बन पाएगा और एक लक्ष्य की पूर्ति होगी, एक लक्ष्य की पूर्ति नहीं होगी और परिवार संतुष्ट नहीं रहेगा। अगला है अवकाश तथा मनोरंजन संबंधी सिद्धांत। हर व्यक्ति को मनोरंजन के लिए अवकाश चाहिए, हर व्यक्ति को कार्य जो एक मोनोटोनस कार्य हो जाता है, आपको संडे की छुट्टी मिलती है, आपको उस संडे की छुट्टी में आप क्या करते हैं, विश्राम करते हैं, है ना, और रोज के रूटीन से हटके कार्य करते हैं, अपने रुचि के अनुसार कार्य करते हैं। गृह व्यवस्था में संडे के अवकाश की संभावनाएं कम होती हैं क्योंकि कुछ कार्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जो रोज करने होते हैं, जैसे खाना बनाना, सफाई करना, तो गृहिणी को अपने रोज के कार्यों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि उसे अवकाश और मनोरंजन दोनों के लिए अवसर प्राप्त हो सके और वह अपनी रुचि के अनुसार कार्य कर सके और अगले लक्ष्यों के लिए स्फूर्ति अपनी इकट्ठी कर सके, अपने फिर से री एनर्जाइज हो सके। तो बच्चों आज के पाठ में इतना ही, हम जल्दी से एक पुनरावलोकन कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। सुदृढ़ गृह व्यवस्था न केवल सुखी पारिवारिक जीवन के लिए आवश्यक है अपितु या किसी भी परिवार की उन्नति, समृद्धि एवं उन्नत समाज एवं राष्ट्र का मूलभूत आधार भी है। गृह व्यवस्था एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, उपलब्ध संसाधनों से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना ही एक कुशल व्यवस्थापक की पहचान है। गृह व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य संसाधनों के कुशल प्रयोग द्वारा परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। इसके अतिरिक्त गृह व्यवस्था के तीन मुख्य चरण होते हैं, नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन, और गृह व्यवस्था को कुशलता पूर्वक लागू करने के लिए कुछ सिद्धांत होते हैं जिनका पालन हमें करना पड़ता है। तो बच्चों आज पाठ के इस भाग में इतना ही, अब मैं आपको कुछ गृह कार्य देना चाहती हूँ जिसको आपको करना है, आइए उसको देख लेते हैं। गृह व्यवस्था किसे कहते हैं इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए, गृह व्यवस्था के कितने चरण होते हैं, प्रत्येक चरण के विषय में विस्तार से बताइए, गृह व्यवस्था के संदर्भ में किन्हीं दो गृह वैज्ञानिकों की परिभाषा बताइए, तीन वैज्ञानिकों की परिभाषा मैंने आपको बताई है, आप किन्हीं दो परिभाषाओं को बताएंगे, योजना अनुसार कार्य करने से क्या लाभ है इसके बारे में आप बताएंगे। बच्चों इस गृह कार्य को आप अपने उत्तर पुस्तक, अपने पाठ्य पुस्तक की मदद से या फिर आपके जो रेगुलर ऑनलाइन क्लास में शिक्षक आपके हैं उनकी मदद से पूर्ण कर सकते हैं। इसके अलावा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा आपकी सुविधा के लिए दीक्षा ऐप, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसमें आपकी पाठ्य सामग्री उपलब्ध है, आप अपने गूगल प्ले स्टोर में जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इससे आप अपनी पठन सामग्री को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इसकी सहायता से अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। बच्चों आज की कक्षा मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, आज के भाग में इतना ही, अगले भाग के लिए हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और स्वास्थ्य नियमों का पालन करते रहिए। नमस्कार।